हमीदुल्ला खान, इन्हें नूरखान बाजार में रहता, पेटी बिजनेसमैन और कुछ बच्चों को फुटबॉल भी सिखाता है। इनका एज है 51 ईयर्स। ये बीबी से डाइवर्स है, इन्हें उसका बीबी से डाइवर्स है, बीबी महबूब नगर में अलग रहता। इन्हें इनका 3 बच्चे के साथ एक घर में रहते नूरखान बाजार में। तो इनका आंटी बाजू में रहते, बाजू घर में आंटी रहते साबिरा बेगम, उसके पास एक माइनर गर्ल मेड सर्वेंट है एज ऑफ 12 ईयर्स का। तो ये रिलेटिव होना है हमीदुल्ला खान, उसको कभी कभी करिस भी जाता है खाने के लिए, कुछ खाना ऐसा ईटेबल्स भी जाता बच्ची के साथ उनको, ये हमीदुल्ला खान को। ये 15 डेज बैक ऐसे ही भी जाए तो उसके साथ बच्ची के साथ थोड़ा सेक्सुअली अब्यूज़ करा, अब्यूज़ करे तो फिर बच्ची घर में से भाग गया। तो रूटीन फिर उनका काम उन्हें काम कर रहे। फिर 5 डेज बैक क्या हुआ, सेम वो साबिरा बेगम ये बच्ची के साथ फिर वो खाने के लिए उनको हमीदुल्ला खान घर को करीज भी जाए तो घर में कोई भी नहीं था उनका घर में। ये बच्ची को बेड में लेके जाके उसको सेक्सुअल असल्ट किया, मतलब रेप किया है। तो बच्ची उनका माँ से बोले और माँ आके कंप्लेंट दिया गया कल। इमिडिएटली डबीरपुरा इंस्पेक्टर एंड SS इमिडिएटली जाके विद इन नो टाइम उसको पकड़ के अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया उसको। इसके ऊपर हम इमिडिएटली रेड शीट भी खोलने वाला है, फिर रेड शीट खोल के उसके ऊपर सर्वेलेंस करेंगे। इसके ऊपर रेप सेक्शन, रेप के लिए 376 लगाया और सेक्सुअल असल्ट के लिए 354 भी करे, और छोटा बच्ची माइनर बच्ची के लिए पोक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड असल्ट बोल के वो भी सेक्शन डाले। साबिरा बेगम पे उनका कोई इंटेंशन नहीं है इसमें, उन्हें एजड है ऑलमोस्ट 80 ईयर्स है, वो अभी देखेंगे उसके बारे में। निर्भय है डाले, निर्भय भी है 354 पे निर्भय है। इतनी एज 21 ईयर्स हो, ये नूरखान बाजार डबीरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स लो उंटाड़ो आईना इतनु।